आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती बरकरार है। खुदरा महंगाई दर धीरे धीरे सिर उठाने लगी है और महंगाई पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 3.93% पहुंच गई है। बीते 8 महीनों का ये उच्चतम स्तर है। थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी के लिए प्याज और सब्जियों की बढ़ी कीमतों को वजह बताया जा रहा है। अगर थोक महंगाई दर की बीते साल से तुलना की जाए तो बीते साल नवंबर में ये 1.82% था, जबकि बीते महीने अक्टूबर में ये दर 3.59% थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर नवंबर माह में प्याज की कीमतों में 178.19% का उछाल देखने को मिला था, जबकि अन्य सीजनल सब्जियों की कीमत में औसत 59.80% का इजाफा देखने को मिला। वहीं प्राथमिक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में 1.6%, ईंधन और ऊर्जा वर्ग में 1.6% और निर्मित वस्तुओं की कीमत में 0.2% की उछाल आई है। इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने खुदरा महंगाई दर और औद्योगिक विकास दर के आंकड़े जारी किए थे। खुदरा महंगाई दर नवंबर में 4.88% पर पहुंच गई, जबकि सरकार को इसके 4% के आसपास रहने की उम्मीद थी। वहीं नवंबर माह में औद्योगिक विकास दर में भी कमी देखने को मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा था कि जुलाई सितंबर में वृद्धि दर में सुधार के बाद पिछले कुछ तिमाहियों से वृद्धि में गिरावट का सिलसिला रुका है। जुलाई सितंबर की तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रही है, जो इससे पिछली तिमाही में 5.7% के 3 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति अक्टूबर में 3.58% पर थी, लेकिन आंकड़ों से लगता है कि अर्थव्यवस्था अभी भी सुस्ती से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।